बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 में संकलित मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। बच्चों, आपके कोर्स में मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक लिखी हुई कहानी मंत्र है, जो बहुत ही मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली है। आइए मुंशी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अजाब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय, मुंशी प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम बच्चों इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, धनपत राय था। किंतु ये अपनी कहानियां उर्दू में, भाई हिंदी उर्दू अरबी फारसी में कवि और लेखक सभी भाषाओं में लिखते हैं, तो ये अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अल्पायु यानी छोटी ही अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो जाने पर भी ये बड़े ही साहस और परिश्रम से अध्ययन जारी रखा। पिताजी की मृत्यु हो गई, परेशानी हो गई परिवार में, लेकिन बड़े ही साहस बड़ी हिम्मत के साथ में ये अपनी पढ़ाई को जारी रखा, पढ़ाई करते रहे। ये एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की, पास हो गए। ये कुछ वर्षों तक अध्यापक भी रहे, अध्ययन कार्य बच्चों को कराया। बाद में ये सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए शिक्षा विभाग के। ये असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें भी कूद पड़े आंदोलन में, और नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी को छोड़कर भारत माता की सेवा में लग गए। इनकी सेजे वतन एक रचना थी उस जमाने की, तो सेजे वतन रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया। क्यों? उस रचना में ऐसा हाहाकार मचाने वाला लिखा था कि अंग्रेज सरकार घबरा गई, तो इनकी उस रचना को उन्होंने जब्त कर लिया, छीन लिया, ले लिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका नाम प्रेमचंद्र रख दिया। ये तो पहले नवाब राव के राय से नाम के नाम से लिखते थे, धनपत राय के नाम से चलते थे, लेकिन जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका नाम प्रेमचंद रख दिया। अब इन्होंने प्रेमचंद नाम स्वीकार कर लिया। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यहीं से इनका प्रवेश हुआ, यहीं से इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करना शुरू कर दी। सन 1936 ईस्वी में सरस्वती माँ का यह सपूत इस भौतिक संसार से सदैव के लिए हमेशा के लिए विदा हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी की लघु जीवनी का स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनकी रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। बच्चों, आप सभी लोगों ने मुंशी प्रेमचंद्र जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की कृतियां या रचनाएं, कृतियों को रचनाएं भी कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अनेक प्रकार की रचनाएं की, इन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, तो उनके बारे में कुछ हम लोग जानकारी करते हैं। देखिए, सबसे पहले उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि उन्होंने उपन्यासों की रचना की है, लेकिन जिसमें गोदान उपन्यास सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको जीवन में कभी समय मिले तो गोदान उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित जरूर पढ़ें, इसका अध्ययन करें।
उसके बाद में मुंशी जी ने कहानी लिखी। कहानियों में करवला, कफन, संग्राम, मंत्र। तो बच्चों ये कफन कहानी भी और मंत्र कहानी। कफन कहानी में कुछ ऐसा होता है कि पिता और पुत्र होते हैं, उनके एक बहू होती है और बहू जो एक शिशु को जन्म देने वाली होती, लेकिन पिता और पुत्र दोनों इतने काहिल, इतने आलसी होते हैं कि उसको एक कोठरी में बंद कर देते हैं। उस लड़के की माँ खत्म हो जाती, अब वो परेशान है, उस कमरे में कोठरी में तड़प रही है, लेकिन बाप बेटे दोनों बाहर बैठे हुए आलू भून भून कर खाते हैं। गांव वाले जब उसको दिखाने के लिए कहते हैं तो वो दोनों बाप बेटे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। इस प्रकार से वो बहू मर जाती है तड़प तड़प कर। अब उसके अंतिम संस्कार के लिए भी बाप बेटों के पास पैसा नहीं होता है। गांव वाले चंदा लगाते हैं और चंदा लेकर के कहते हैं हम जाएंगे कफन लेने। तो दोनों बाप बेटे जाते हैं शहर में कफन के लिए, लेकिन वो वहां पर पकौड़ियां और शराब पी खा लेते हैं, कफन लेकर नहीं आते। वापस आए, गांव वाले ने पूछा कि कफन नहीं लाए, तो दोनों झूठ बोलते हैं कि भैया पैसा गिर गया है। इस प्रकार से गांव के प्रधान जी और जो मुख्य लोग होते हैं फिर से पैसा लगा, चंदा लगाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस बहू के लिए कफन आता है, उसका अंतिम संस्कार। तो बच्चों अगर कहीं जीवन में मिले समय तो देखो कितने आलसी और निकम्मे लोगों की कहानी कफन में दिखाई गई, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद में आपके कक्षा 9 में संकलित मंत्र कहानी जो कैलाश और मृणालिनी की प्रेम कथा है। उधर एक डॉक्टर साहब होते हैं चड्ढा जी, और उधर एक गांव में बूढ़ा देखते होता है बूढ़ा भगत। तो डॉक्टर चड्ढा अपने नियम के पक्के हैं कि इतने समय से इतने समय तक मैं मरीजों को देखूंगा, इसके बाद मैं खेल करूंगा, फिर मरीजों को नहीं देख सकता हूं। उसी समय गांव का वो बूढ़ा भगत अपने एक बेटे को लेकर के डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर साहब का समय गोल्फ खेलने का हो जाता है। वो बहुत हाथ पांव जोड़ता है, विनत करता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कल लेकर आना। डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने की वस्तुओं को लेकर के गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बूढ़ा भगत आवाज चुपचाप ताकता रहता है कि शायद अब डॉक्टर साहब लौट आए, अब डॉक्टर साहब लौट आए, लेकिन डॉक्टर साहब लौट कर नहीं आते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से, संबंधों से उस बच्चे की डोली को जिसमें लिटा करके लाए थे बीमार बच्चे को वापस लेकर जाते हैं, और बूढ़े भगत का वो सातवां बेटा था, अंतिम बेटा था, वो भी मर गया। लेकिन इसी कथा को मुंशी प्रेमचंद ने और मार्मिक बना दिया। डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश 21 वर्ष का हो गया है और उसकी सालगिरह होती है। सालगिरह में मेहमान आ रहे हैं, पूरी पकवान इत्यादि चल रहा है, नाश्ता पानी, और उसकी प्रेमिका आ जाती मृणालिनी। मृणालिनी कहती कैलाश से कि कैलाश आज मुझे आप सांप दिखा दो। कैलाश कहने लगे कि बेटाइम है, वो रूठ जाती है। तो कैलाश ने कहा चलो। तो सांप दिखाने के लिए जब कोठरी में ले जाते हैं सांपों की, तो बहुत से मेहमान वो भी उत्सुक हो जाते हैं कैलाश के सांपों को देखने के लिए। कैलाश जब सांपों को निकालता है तो कुछ लोग कहते हैं तुमने इसके दांत तोड़ दिए होंगे इसलिए। कुछ सज्जन मजाक करते हुए कहते हैं कि कोई ऐसा सर्प दिखाओ जो काटे ना केवल छू ले, व्यक्ति की मौत हो जाए। तो कैलाश अपने दरबे से सबसे विषैले भयंकर सांप को निकालता है, और जैसे ही सबको दिखाने का प्रयास करता है एक सज्जन बोल पड़ते हैं कि कैलाश इसके दांत नहीं तोड़ दिए। कैलाश उसकी बात से झुंझला उठता है और उस सबसे विषैले सांप के मुंह को चीर कर उसके दांत दिखाने लगता है। तभी वो सर्प क्रोधित होकर के कैलाश की उंगली में काट लेता है। अब जैसे ही सर्प ने काट लिया वैसे कैलाश की आंखें लाल पीनी होने लगी और धीरे धीरे वो खुशी जो थी मातम में बदलने लगी। डॉक्टर साहब चड्ढा जी नस्तर लगाने के लिए आते हैं, लेकिन कैलाश मना कर देता कि पिताजी हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके स्पर्श से भारी जहर जो छुमंतर हो जाता है। मृणालिनी जाती है कैलाश के कमरे में और वहां से वो जड़ी बूटी लाकर के पीसती है, धुलती है। तब तक कैलाश के बिल्कुल ना बचने की उम्मीद, फूंक झाड़ करने वाले लोग आते हैं, हाथ लगाकर देखते हैं कि इसकी कोई उम्मीद नहीं। तभी ये खबर बूढ़े भगत को पड़ती है और बूढ़ा भगत
दौड़ते भागते हुए वहां पर आता है, कहता है लोगों से कि मैं अभी उपचार करूंगा, लेकिन शर्त यह कि आप सभी लोग कैलाश के सिर पे पानी डालते रहने, इन्हें नहलाते रहना, जब तक मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगा आप लोग पानी डालना नहीं बंद करना। क्योंकि कुछ ऐसी कृपा होती है कि सुबह 5 बजे जब सूर्य देव लाल लाल निकलते हैं, तब एक कैलाश भी अपनी आंखों को मंद मंद गति से खोलता है और चारों ओर छाया हुआ मातम प्रसन्नता में बदल जाता है और सभी लोग बूढ़े भगत की जय जयकार करने लगते हैं। इतने में बूढ़ा भगत एक बीड़ी पिए भी, बीड़ी तक नहीं पीता है, तमाकू भी नहीं खाता है, और चुपचाप वहां से चला जाता है। जब डॉक्टर चंडा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं, बड़े शर्मिंदा होते हैं, यही एक बूढ़ा व्यक्ति जो एक बार मरीज को लाया था और मैंने देखने से इनकार कर दिया था। तो बच्चों, मंत्र कहानी में दिखाया गया है परोपकार के बारे में कि व्यक्ति को हमेशा परोपकारी होना चाहिए, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, जैसे भी हो सके उनका परोपकार करना चाहिए, उनका उपकार करना चाहिए। तो मंत्र कहानी बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, आपके कोर्स में है, आप लोग मन लगा करके इस कहानी को पढ़िए, अपने अध्यापकों को, माता पिता को इसके बारे में बताएं। उसके बाद में नाटक इन्होंने लिखा है रूठी रानी, प्रेम की वेदी, संपादन भी कई पत्रिकाओं का किया है, जैसे मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण। ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं ऑप्शंस में, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, कहीं कहीं पर लोग डायरेक्ट केवल बताते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने केवल हंस पत्रिका का संपादन किया, ऐसा नहीं, इन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण का भी संपादन किया। आप इनकी जीवनी ठीक से पढ़िए। उसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमय, ये इनकी भाषा है मुंशी जी की। मुंशी जी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। नंबर 1 वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग प्रधान शैली, भावात्मक शैली। उसके बाद में मुंशी जी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान, क्या पोजीशन है, तो हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद एक श्रेष्ठ कहानीकार और बड़े ही माननीय सम्मानी उपन्यास सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि उपन्यास सम्राट निम्न में से किसे कहा जाता है या निम्न में से कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिए, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये यूपी बोर्ड परीक्षाओं में मुंशी प्रेमचंद की एक ना एक रचना अवश्य पूछी जाती है। बच्चों, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहना है कि प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम ही जीवन का सार, जिसके पास प्रेम नहीं जाने कैसा प्रेमदार। बच्चों, अगर मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचनाएं, जीवनी आप सभी को पसंद आई तो आप लोग SV कोचिंग क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं MP सर आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार, आपके मिलने जुलने वाले सगे संबंधी रिश्तेदार सभी खुश रहें। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।